मुहर्रम पर शुरू होते ही इमामबाड़ा की रौनक पड़ जाती है। यहाँ पूरे एक माह मेला भी लगता है और लोग बाबा रोशन अली के मज़ार पर चादर पोशी करके मन्नतें भी मांगते हैं। तो वहीं मुहर्रम की चौथी तारीख को इमामबाड़ा इस्टेट के गद्दी नशीन अदनान फर्रुख अली शाह उर्फ मियाँ साहब के द्वारा गश्ती जुलूस निकाला गया। जुलूस के दौरान मियाँ साहब ने रोशन अली शाह की कब्र पर फातिहा पढ़ने के साथ पूरे परिसर का गश्त किया और पुरखों को कब्रों पर सजदा किया और इस दौरान उनके दोनों पुत्रों के साथ उनके सहयोगी भी रहे। बुधवार को चौथी मुहर्रम पर इमामबाड़ा परिसर में मियाँ साहब के गश्ती जुलूस में लोगों ने शिरकत किया और मियाँ साहब के काफिले पर शामिल हो गए। तकरीबन 27 मिनट तक उन्होंने परिसर में गश्त किया। मातमी धुन के बीच आगे आगे स्टेट के सिपाही हाथों में मशाल लिए चल रहे थे। मियाँ साहब सबसे पहले मरसिया खाना पहुँचे, जहाँ उन्होंने रोशन अली शाह की कब्र पर फातिहा पढ़ा। जैसे जैसे काफिला आगे बढ़ता गया, भीड़ भी बढ़ती गई। काफिला पश्चिमी फाटक से बाहर निकला और पूरे इमामबाड़े का चक्कर लगाकर वापस उत्तर फाटक के मरसिया खाना पहुंचकर समाप्त हो गया। इस दौरान सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए थे। इस मौके पर गोरखपुर न्यूज़ से बात करते हुए इमामबाड़ा इस्टेट के गद्दी नशीन अदनान फर्रुख अली शाह और मियाँ साहब ने बताया। तमन्ना इतना आप रहती हैं आप यहीं पे, तो आज क्या होने वाला है यहाँ पे? मियाँ साहब आएंगे, राउंड लगाएंगे, फिर यहाँ पे आएंगे सलाम दाग के, फिर दुआ मांगेंगे, फिर चल देंगे ऑफिस में। किससे दुआ मांगते हैं? ऐसे किसके पास आते हैं यहाँ पे? रोशन अली साहब बाबा के मजार पे।
गश्ती जुलूस देखिए ये पुराने 300 बरस की ये परंपरा चली आ रही है इमामबाड़ा स्टेट की, और मुहर्रम की 3, 4, 6, 7, 8 जो है ये छोटा जुलूस गश्ती जुलूस इमामबाड़ा परिसर के अंदर निकलता है। बाकी जो 5, 9 और 10 का जुलूस है वो बहुत बड़ा जुलूस होता है जो शाही जुलूस के नाम से मशहूर है गोरखपुर में, और वो अलग अलग इलाकों से और शहर के गुजरता है। तो जी देखिए जहाँ जहाँ फातिहा हमने पढ़ा है सरदा क्या क्या फातिहा पढ़ते हैं, जहाँ जहाँ कब्रें हैं या मज़ार हैं या आपकी ताज़िये रखे हुए हैं उनके यहाँ उन पे फातिहा पढ़ते हैं। तो 4 जगहें हैं इमामबाड़े के अंदर जहाँ फातिहा होती है। तो कल 5वीं जुलूस निकलेगा जी, कल इंशाल्लाह 5वीं का निकलेगा जी। जी हाँ जी हाँ। ये देखिए बख्शीपुर बेनीगंज होते हुए ये जाफरा बाज़ार जाता है और फिर वहाँ पे आधे घंटे का रेस्ट है करबला पे, करबला से निकल के मिर्ज़ापुर और खूनीपुर होते हुए नखास, नखास से ये वापस मियाँ बाज़ार आ जाता है।